हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी इसरो के बारे में। याद रखिए आप लोग, आपके जितने भी संगठन हैं महत्वपूर्ण, फिर चाहे वो राष्ट्रीय हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय, ये सभी आप लोगों को एक ही जगह मिल जाएंगे, वो है आपकी प्लेलिस्ट सूची महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से। उसी में डालते जाता हूँ जो भी आपके संगठन होते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेशनल सीड अथॉरिटी के बारे में। तो याद रखिए, इसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल अधिकरण। यही एक स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में सभी खनिज संबंधी गतिविधियों को व्यवस्थित, विनियमित और नियंत्रित करने के लिए स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना की बात करें तो 1994 में इसकी स्थापना हुई। 1982 के यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के तहत इसकी स्थापना की गई थी 1994 में। इसके मुख्यालय की बात करें तो किंगस्टन जमैका में इसका मुख्यालय है, इंटरनेशनल सीप्ड अथॉरिटी का। इसमें आपके 167 देश और साथ में यूरोपीय संघ भी शामिल हैं, ठीक है, इसके सदस्यों में। UNCLOS के सभी पक्षकार ISA के सदस्य हैं, ठीक है, याद रखिए। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है इसे, ISA यानी कि इंटरनेशनल सीप्ड अथॉरिटी कि मैट्रिक और नीतियों की बात करें हम लोग, मानव जाति के लिए के लाभ के लिए गहरे समुद्र वाले क्षेत्रों के संसाधनों के क्रमबद्ध, सुरक्षित और जिम्मेदार प्रबंधन और विकास को बढ़ावा देना इसके उद्देश्यों में या नीतियों में शामिल है। इसकी नीतियों में ISA का यह कर्तव्य है कि क्षेत्र में खनिज अन्वेषण से उत्पन्न होने वाली हानिकारक प्रभावों से समुद्री पर्यावरण के प्रभावी संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए उचित नियमों, विनियमों और प्रक्रियाओं को अपनाना इसका प्रमुख कार्य है। समुद्री क्षेत्र में समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान के संचालन को बढ़ावा देना और प्रोत्साहन करना और साथ ही ऐसे अनुसंधान और विश्लेषण के परिणाम का समन्वय और प्रसार करना इसके प्रमुख नीतियों में शामिल है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अधिकरण की। इंटरनेशनल सीप्ड अथॉरिटी की संरचना की बात करें तो असेंबली की बात करें तो इसमें सभी सदस्य शामिल हैं आपके काउंसिल में। इसमें असेंबली द्वारा चुने गए 37 सदस्य शामिल होते हैं। काउंसिल के दो सलाहकार निकाय होते हैं, जो कानूनी आयोग और तकनीकी आयोग, जो अन्वेषण और निर्जीव समुद्री संसाधनों से संबंधित सभी मामलों पर काउंसिल को सलाह देते हैं। निर्जीव में आपके शामिल हैं पॉलीमेटालिक नोडल्स, पॉलीमेटालिक सल्फिडिस, कार्बोल्ट रिच फ्रोमैंग नीच क्रस्टस, ठीक है, ये आपके निर्जीव में शामिल है। तो चलिए, ये था आपका इंटरनेशनल सीप्ड अथॉरिटी। आगे हम लोग बात करेंगे इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के बारे में।